ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मा है और हम दोनों चाय पी रहे हैं। चीयर्स। यही सब छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं त्योहारों में खुशी के, जो हम शेयर कर पाते हैं और इन्हीं में एंजॉय करते हैं। तो अभी चलिए अपनी चाय को एंजॉय करते हैं, उसके बाद जो भी मम्मा बनाएंगी होली स्पेशल वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ इस ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। एंड मम्मा के साथ चाय को एंजॉय करके बस ऐसे ही थोड़ा अपने एब्डोमेन को रिलैक्स करने के लिए मैं लाइट वॉक कर रही थी कैंपस में ही, कैंपस के अंदर ही। ये प्यारा सा कैंपस है एंड ये देखिए गाइस, ये जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना आपको, ये दिस इज करी लीव्स, मीठी नीम के पत्ते जो मैंने आपको अपने कॉलेज में भी दिखाए थे ना, ये वही पेड़ है। एंड एग्जैक्टली ये देखिए, ये इस तरीके का काफ़ी बड़ा सा होता है। एंड इसके भी बहुत सारे हर्बल बेनिफिट्स हैं जो कि आगे के किसी ब्लॉग्स में मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी चल के देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं। और इधर इस साइड पे किचन है और यहाँ पे ज़रूर मेरी मम्मा कुछ बना रही हैं। ये देखिए, ये क्या है माँ? ये है भबरा, हरा चना का भबरा। भबरा क्या होता है? हरा चना सीजन में मिलता है, इसको शुभ माना जाता है। इसको बेसन में करके और सब चीज डाल के इसमें बनाया जाता है, पूरे परिवार को खिलाया मतलब जाता है। ये एक तरह से चने की पकौड़ी है ना? हाँ हाँ हाँ, इसको भबरा ही बोलते हैं। अच्छा, अगले वाले दिन जरूर बनता है। अगजा मतलब होली का दहन आज है ना? ये बनता है जरूर। तो ये देखिए गाइस, ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, ये भबरा यानी कि चने की पकौड़ी। ये जो ग्रीन ग्राम होता है ना, ग्रीन ग्राम के बेनिफिट्स शायद मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, नहीं भी तो मैं इस ब्लॉग के एंड में भी जरूर बता दूंगी। और ये सारी ट्रेडिशनल चीजें अभी बन रही हैं। ये बन रहा है, ये कढ़ी बड़ी बन रहा है। ये कैसे बनता है? ये भी बेसन का ही बनता है, इसमें पहले बड़ी बनाते हैं। हाँ, फिर इसमें अपना कढ़ी बनता है, बड़ी बनता है, मतलब इसमें कढ़ी पत्ता भी पड़ता है, सब्जी डाल के बनाते हैं इसको। ये देखिए गाइस, इसमें भी कढ़ी पत्ता डाला है, जो मीठी नीम मैंने आपको अभी बाहर दिखाया ना, इसके टेस्ट बेनिफिट्स भी है और हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये पनीर की सब्जी भी बनेगी। अच्छा, और ये पनीर की सब्जी बनेगी। ये देखिए, ये माँ का डिसाइडेड मेनू। ये क्या है? आलू बैंगन सब कटे रखे हैं। बचका बोलते हैं उसको। अच्छा, इसको बैंगन आलू का बचका छानेंगे बेसन लपेट के। सो ये देखिए, इतनी सारी चीजें डिसाइड किए हुए हैं आज हमारे मेनू में। तो आज तो फुल ऑन हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। सारी डाइटिंग, सारे मेंटेनेंस जाए साइड में, आज हम माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना और अपने फेस्टिवल में वो भी हमारे ट्रेडिशनल को फॉलो करते हुए वो हम अभी एंजॉय करेंगे। एंड जैसा कि आपने देखा कि मैंने माँ के साथ खाना बनाना एंड हम सभी का साथ बैठ के खाना, ये सारी चीज़ें मैंने हर पॉसिबल वे में इन्जॉय की। एंड ये हमारा घर नहीं है, पापा जहाँ पोस्टेड है ना वो जगह है, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी प्रॉपरली मैनेज नहीं है, हम सब बस यहाँ आना जाना करते हैं। बट जहाँ भी अपनी फैमिली होती है, अपने लोग होते हैं, वही हमारा घर होता है। तो फिलहाल के लिए तो यही हमारा घर है जहाँ हम सब अभी साथ में रह रहे हैं और अपने फेस्टिवल को साथ में रहकर हर पॉसिबल वे में इन्जॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप सभी को भी यही एडवाइस करूँगी कि चीज़ें आपके पास जितनी भी हों, जैसे भी पॉसिबल हो, आपको अपनी लाइफ को फुल ऑन एन्जॉय करने की कोशिश करना चाहिए। एंड अभी रात हो गई है तो बस ये देखिए, यहाँ चल रही है मेरी रेगुलर वाली पढ़ाई। पढ़ाई तो एक्चुअली मैं बुक्स वगैरह लेके कुछ खास नहीं आई थी, अभी 4 दिन की छुट्टी है तो क्या ही आती, लेकिन हाँ क्लिनिकल्स थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि वो गैप हो जाए ना तो फिर क्लासेस पे जाके समझ नहीं आता है, तो वही जस्ट मैं रिवाइज़ कर रही थी। एंड अभी बज रहे हैं रात के 10:12 बजे, यानी कि 2 घंटे बाद जो है वो होलिका दहन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस होलिका दहन पे आपके साथ जो भी पेन या परेशानी हो, इस होलिका दहन में जो है वो दहन हो जाए। सभी लोग सभी जगह अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमेशा खुश रहें, इसी प्रेयर के साथ अब मैं जा रही हूँ सोने। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह। गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं आज सुबह जल्दी ही नहा धो चुकी हूँ, बस
मैंने कंघी खुद को अरेंज नहीं किया है थोड़ा। एनीवेज बाद में करेंगे आराम से, अभी कहीं जाना तो है नहीं। अभी चल के देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं। मम्मा मेरी गुस्सा करती हैं ऐसे, तुम रिकॉर्ड कर लेती हो, लेकिन दैट डजेंट मैटर। माँ यहाँ पे काम कर रही हैं। और क्या बना रही है माँ? पुआ बन रहा है। पुआ? हमारे यहाँ इसे पुआ बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज डला है इस बैटर में? इसमें सूजी है, खोआ है, इसमें मैदा है, दूध है, केला है, और किशमिश है, और नारियल है, बहुत सारा चीज है। तो ये देखिए गाइज, ये इस सारी चीजों को मिला के ये बैटर बना के और मम्मा जो है इस तरीके से इसे घी में फ्राई करती हैं। हमारे यहाँ तो इसे पुआ बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक ये पुआ, और इधर ये देखिए ये, हाँ ये जो दही वड़ा है ये, ऐसे पहले इसे भी, ये किस चीज़ का बनता है माँ? उड़द का दाल का। अच्छा, ये उड़द की दाल का बैटर बना के इसे फ्राई करते हैं, फिर इस तरीके से दही में डिप करते हैं। पुआ और दही वड़ा जो है ना, ये होली में हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ दो चीज़ें होली में तो ज़रूर से ज़रूर बनती हैं, कल जो भी भबरा और कड़ी ये सब बना था ना। और अच्छा माँ, और दिखा रही है ये क्या बना है? रायता, कद्दू। अच्छा, कद्दू यानी कि लौकी, लौकी का रायता भी बना है। और कुछ बन रहा है स्पेशल? नहीं, वो चने की दाल और नेनुआ की सब्जी बनी है। अच्छा, मतलब हेल्थ, पनीर की सब्जी बनी थी। माँ ना हेल्थ का भी ध्यान रख रही है, इतना स्पाइसी और फ्राइड बना है, तो सब्जी जो है वो तुरई की बनी है। मतलब हेल्थ का भी ध्यान रखना है फेस्टिव सीजन में, ये माँ के ध्यान में है। तो चलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपने फेस्टिवल को फुल ऑन एंजॉय करते हैं। एंड बस अभी खा पी के आज हम लोग ना फुल ऑन एंजॉय किए है ना पापा। होली पे कुछ कहना चाहेंगे आप मेरे लोग, माय पीपल को? बिल्कुल बिल्कुल, सभी सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं, सभी का होली बढ़िया बीते, यही शुभकामना है मेरी। और सेफ होली खेले सभी लोग है ना। हाँ, अपना ध्यान रखते हुए, सब लोग अपना ध्यान रखते हुए होली सेफली खेलिए और सब एंजॉय करिए। माँ तो नाइट वेयर में है, ऑन कैमरा उन्हें मैं नहीं ले सकती। ऐसे कुछ बोलना चाहेंगी माँ? नहीं, माँ अभी कुछ बोलना नहीं चाह रही है। तो इन्हीं छोटे छोटे खुशी के मोमेंट्स के साथ आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। कोई खास टिप नहीं थी, बस अपने फेस्टिवल को आप लोग फुल ऑन एन्जॉय करिए, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए करिए। एंड आई होप कि आपको मेरा ये फैमिली व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एक शेयर तो ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप सभी से मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही अगले स्पेशल व्लॉग में एक स्पेशल टिप के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखें, एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल। एंड फिर से हम सभी की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली।